हाय गाइस, दिस इज निशांत कुमार। आज बात करने वाले हैं अलाहाबाद का मेडिकल जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या वहां पे हमें मेडिकल में जांच किया जा रहा है जी। तो बात की जाए तो मैं वहां रूम नंबर 3 में था इलाहाबाद। तो हमें जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे थे और रूम नंबर 3 में थे तो हम लोगों को मेडिकल दिया गया जी इलाहाबाद रेलवे हॉस्पिटल में। उसके बाद कुछ रूम नंबर 2 के भी 5 बचे थे जिनको अलाहाबाद ही दिया गया था। शायद वो लोग लेट हो चुके थे इसलिए उन्हें कानपुर नहीं दिया गया। मैं बात करना चाहूँगा तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में थे, तीन जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए गए थे, मैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन का वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा जी। पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है। तो मैंने वहाँ बताया था कि हम लोग जब भी जा रहे थे तो मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में तीन तीन का ग्रुप बना रहे थे, तीन तीन का ग्रुप बना दे रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि 20-20 बच्चे हो जा रहे थे, 60-60 बच्चे थे तो 20-20 बच्चे एक में, और उनको क्या कर रहे थे तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट को पहले बैच जो निकलता था उनको क्या कर रहे थे कि मुरादाबाद दे रहे थे, उसके बाद झांसी दे रहे थे, उसके बाद आगरा दे रहे थे। और इवनिंग शिफ्ट में तीन तीन ग्रुप था 20 बच्चों का, 60 बच्चे टोटल थे, तो उनको क्या दिया जा रहा था जी, तो कानपुर, लखनऊ और अलाहाबाद दिया था। यानी लास्ट वाले जो थर्ड रूम था उसको अलाहाबाद दिया जा रहा था जी, सेकंड इवनिंग शिफ्ट वाले को। तो मैं भी इवनिंग शिफ्ट में लास्ट वाला था तो मेरा 54 नंबर कोड वहाँ पे था, सीरियल नंबर, तो मेरा वो भी थर्ड रूम में ही था तो इसलिए मेरा मेडिकल इलाहाबाद मिला जी। ऐसे ही जनरली हो रहा है डे बाई डे, तो मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ जाएं। उसके बाद किया जाए तो मेडिकल मेमो में हम लोग जब वहाँ पे लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेने गए तो वहाँ पे हमें मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ था जी, A1 एंड बिलो लिखा था। और हम लोग सारे जनरल कैटेगरी के थे बच्चे वहाँ पे और ALP के थे जी, इसलिए सबका A1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड ही लिखा गया था। तो वहाँ पे A1 चेक हो रहा था, अगर जिसका A1 नहीं हो रहा था उसको वो लोग बता रहे थे कि आपका ये विजन में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद हमें फाइनली दिया जा रहा था। मैं बात किया जाए, जब हम लोग वहाँ पे 9 बजे रिपोर्टिंग करना था तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हमारे से 10 बजे से स्टार्ट हुआ जी। और हमें बताया नहीं गया था कि आपको फास्टिंग रखना है या नहीं रखना है, लेकिन सभी बच्चे फास्टिंग रख के गए थे क्योंकि डायबिटीज टेस्ट होना था। तो शुगर जो भी टेस्ट होता है उसमें तो आपको पता ही है कि बिना खाए हुए होता है जी, तो हम लोग वहाँ पर बिना खाए पहुँचे थे। तो डायबिटीज टेस्ट हुआ, डायबिटीज टेस्ट में हमारा रीडिंग आया था 88 आया था जी। जनरली रीडिंग आपको डायबिटीज का क्या होता है जी, 80 से लेकर 110 तक होता है, यानी 80 से लेकर 110 तक होता है, तो डायबिटीज ये स्टैंडर्ड माना जाता है। उसके बाद हमारा वहाँ पे यूरिन सैंपल दिया गया कि एक डिब्बा दिया गया था कि आप यूरिन इसमें कलेक्ट करके लाइए। तो हम लोग बाथरूम में गए, बाथरूम में से कलेक्ट करके लाए और सभी उस पर मार्किंग किया गया था, हमारा जो भी नंबर था उस पर मार्किंग किया गया था। उसके बाद वो लोग यूरिन एक हम लोग बाहर रख दे रहे थे, वो लोग अपना मेजर किए हैं जी, यूरिन टेस्ट चेकअप किए थे। उसके बाद हम लोग को भेजा गया, जो मैम थी हम लोग को, तो हम लोग को जो डेड डॉक्टर हेड थी वो मैम थी, नीरू मैम थी जी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे ब्लाइंडनेस टेस्ट वगैरह के लिए हमको मैम बुलाई थी। तो एक एक करके बच्चे जा रहे थे तो मैं बता देना चाहूँगा वहाँ पे हम लोग का क्या क्या चेक हो रहा था जी। तो नाइट ब्लाइंडनेस चेक हो रहा था, नियर विजन टेस्ट हो रहा था, इशारा टेस्ट हो रहा था जी, डायरेक्शन ऑफ ई टेस्ट हो रहा था, चलिए उसके बाद BP भी हो रहा था, स्टेथोस्कोप से भी चेस्ट पे रख के वो लोग जांच कर रहे थे। चलिए तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। नियर विजन में क्या चेक कर रहे थे जी, तो नियर विजन में वो लोग चेक कर रहे थे वहाँ पे ई बना हुआ था, सबसे छोटा ई जो था ई से पूछ रहे थे किस डायरेक्शन में है, अपर साइड में खुला है कि लेफ्ट साइड में खुला है कि राइट साइड में खुला है, ठीक है। तो नियर विजन टेस्ट हो रहा था। उसके बाद वो लोग जो लेटर बने थे उसको हमने पढ़ना था, बड़ा छोटा था जी, नियर विजन में चेक हो रहा था। उसके बाद इशारा बुक था, इशारा बुक में वो लोग कुछ नंबर लिखे थे, उसको नंबर को पढ़ना था क्योंकि आपको एक कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशारा टेस्ट होता है, आपको पता ही है। तो कलर ब्लाइंडनेस में या पाथ भी था तो पाथ भी वो लोग हमसे पढ़वाए लो, फिर से उसके बाद नंबर भी पढ़वा रहे थे कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ई जो था ई बहुत छोटा लिखा हुआ था और ई नियर विजन में चेक हो रहा था, ई छोटा था इसलिए आप नज़दीक से ही देख रहे थे, बैठे थे कुर्सी पर और उसी से टेबल पर पढ़ रहे थे जी, तो ई का डायरेक्शन पूछा जा रहा था। उसके बाद उसके साथ साथ ही जो वहाँ पे एक असिस्टेंट थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, कोई BP साथ साथ ही चेक कर रहे थे। तो BP भी मेरा नॉर्मल था तो वो कुछ नहीं बोले, जिसका भी BP नॉर्मल नहीं आ रहा था वो लोग वहीं पे बता रहे थे और दोबारा फिर से उसको बुला रहे थे, जैसे कोई भी चेक हो रहा था, कोई भी चेक जैसे हुआ और उसका नॉर्मल नहीं आया तो वो लोग खुद बता रहे थे कि तुम्हारा गड़बड़ है, फिर से उसको दोबारा बुलाते थे उस टेस्ट के लिए। जनरली हुआ था जी, आपको मैं बता देना चाहूँगा, जिसका भी BP में हो रहा था उसको दोबारा बुला, जैसे एक लड़का था तो उसको मैम क्या हुआ कि मैम को गर्मी होने लगा तो मैम बहुत देर उसको रोक दी, तो उसको बेचारे को शायद हो सकता है कि उसका हार्ट बीट ज़्यादा हो गया था इसलिए उसको BP जो था हाई आ गया था जी। उसके बाद मैम ने स्टेथोस्कोप लिया, उसके बाद कपड़े उठा के चेस्ट को
चेस्ट पे मतलब स्टेथोस्कोप से चेक किया, क्या चेक कर रही थी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन स्टेथोस्कोप से चेक की थी। उसके बाद हम लोग आए, सब एक एक करके हो रहा था, उसके बाद बैठे रहे कुछ देर। उसके बाद हम लोग का ईसीजी हुआ जी। ईसीजी में जिसका भी अब नॉर्मल आ रहा था उसको कुछ बताया जा रहा था, लेकिन ईसीजी में कोई भी अब नॉर्मल नहीं आया। जनरली थोड़े बहुत दिक्कत आ रहा था, लोग बात कर रहे थे अपने में, उसके बाद सबको नॉर्मल कर दिया गया। एक्सरे बात की जाए तो एक्सरे का टेस्ट हुआ जी। उसके बाद एक्सरे लिया गया सभी का एक एक करके, और एक्सरे का रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक्सरे और ईसीजी तो ईसीजी हम लोग जानते हैं, एक्सरे का रिपोर्ट हम लोग नहीं देख पाए, कोई भी नहीं देख पाए वो लोग, क्योंकि लास्ट में एक्सरे का सब रिपोर्ट सबसे लास्ट में आया, और यूरिन का और एक्सरे का हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन वो भी अब नॉर्मल नहीं था, इसलिए शायद सबका नॉर्मल था इसीलिए हमें बताया नहीं गया। उसके बाद कहते हैं डिस्टेंस विजन के लिए हम लोग को ले गया था दूसरे रूम में। देखिए वही मैम जो जो नीरू मैम थी, वही मैम के पास ले गया ऑफिस में, जहाँ पे एक डार्क रूम था। डार्क रूम मतलब वहाँ पे दो तीन लाइट जल रहे थे, डिम लाइट जल रहे थे, तो वहाँ पे डिस्टेंस विजन चेक हो रहा था। डिस्टेंस विजन तो बहुत मतलब मान लीजिए कि आपको 12 से 15 मीटर की दूरी पे हम लोग थे, नहीं 12 से 15 मीटर नहीं, 12 से 15 फीट बोल सकते हैं दूरी पे थे। वहाँ पे क्या क्या किया जाता था, सी था, सी ढका हुआ था, सी में हमें बताना था कि सी का उसका माउथ किधर खुला हुआ है जी, और उसमें सी का अलग अलग साइज था, बड़ा भी था छोटा भी था। तो जनरली मैम क्या कर रही थी, छोटे वाले से पूछ रही थी कि सी किधर खुला हुआ है, लेफ्ट में राइट में अपर साइड, तो सभी लड़के बता रहे थे। मैंने तो एक बार मतलब एक बार बायां आँख ढक दिया जा रहा था, उसके बाद पूछा जा रहा था सी का डायरेक्शन किधर है, फिर से दायां ढक दिया जा रहा था, फिर से पूछा जा रहा था, फिर से दोनों आंखों से देख कर पूछा जा रहा था। तो मुझे तो मैम ने सबसे छोटे वाले से स्टार्ट किया, तो छोटे वाले को मैंने बताया, तो फिर से मैंने बायां दायां करके चेक किया, एक ही बार चेक किया गया और उसके बाद ओके कर दिया गया। कुछ लड़के थे इसमें डाउट हो रहा था, तो जिनको भी ये डाउट हो रहा था उसको वो लोग 6x6 विजन नहीं दिए, 6x9 विजन दिए। एक लड़का था जिसको 6x9 विजन दिया गया, क्योंकि वो सी को जैसे सी ऊपर कटा हो रहा था लेकिन वो लेफ्ट बता रहा था। तो अब और उसे फिर से दोबारा भी पूछा गया तो फिर से गलत बता रहा था। जब उसका दोनों आँख खोल दिया जा रहा था तो फिर से वो सही बता रहा था कि सी किधर खुला हुआ है। तो इस तरह प्रॉब्लम हो रहा था जी। तो उसके लिए 6x9 एक लड़का को हम लोग को दिया गया विजन, यानी A1 स्टैंडर्ड उसका खत्म हो गया जी, उसको B1 या B2 मिला होगा। उसके बाद हम लोग को ये नहीं पता चला कि किसको क्या मिला, लेकिन वो A1 में फेल हो गया जी, उसी लड़का। एक और लड़का को अब बात करते हैं। उसके बाद हम लोग का हो रहा था जी लाइट कलर ब्लाइंडनेस चेक हो रहा था, इसमें से लाइट निकल रहा था एक, उसमें से कलर चेंज हो रहा था, वहीं लाइट बताना था कौन सा लाइट जल रहा है। तो जनरली मैम तो लेडीज थी, तो उनको पूरा कलर एक एक जाना चाह रही थी कि येलो है, पिंक है, रेड है, वाइट है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, ऐसा। तो हम लोग तो ऐसा नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि सभी लड़कों को जैसे मैम पहले पीला येलो दिखा रही थी, फिर से पिंक दिखा रही थी, तो सभी लड़के कन्फ्यूज हो रहे थे कि येलो बोले पिंक बोले, फिर से रेड दिखा रही थी, तो जैसे पिंक में ही लड़के रेड बोल दे रहे थे, फिर से रेड दिखा रहे थे तो लड़के कह रहे थे ये रेड है, इसके पहले पिंक था। तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन आ रहा था, तो मैम ने समझ गई। तो मैम क्या कह रही थी, केवल ग्रीन वाइट और रेड वगैरह दिखाने लगी, और उसके बाद वहाँ पे सबको ओके कर दिया गया। एक लड़का था उसको दिक्कत हो रहा था, उसको मैम अलग से अपने रूम में बुलाई थी, अब उसका जांच फिर से इशारा बुक से शायद हुआ था उसका जांच, और फिर से मैम ने उसको भी ओके कर दिया जी। उसको थोड़ा सा परेशानी हुआ था, मैं बता रहा हूँ जो भी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे स्टाफ कोऑपरेटिव में एक भी रुपये पैसे नहीं ले जाने। मैंने हमें जाते हैं वहाँ कह दिया गया कि जिसके पास भी 100 रुपये से ज़्यादा हो वो अपने बैग में रखे, और बैग के लिए वो लोग स्टोर रूम रखे तो उसमें रख दो जी। 100 रुपये से ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना, यानी आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जी, और फोटो वगैरह एक दो बस रखवा रहे थे जी, और कुछ नहीं, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे थे। इसलिए कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कन्फ्यूजन बना है जी इलाहाबाद ये है वो है, तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। सभी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको प्रॉब्लम होगा जी वो जरूर छाड़ देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन थोड़ा बहुत अगर जिसको अगर प्रॉब्लम भी है तो मैनेज कर रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का जी लेजर कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह, लेजर के लिए फॉर्म भरवाया गया कि आप लेजर वगैरह लगवाए हैं कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग का फंडस टेस्ट हुआ। फंडस टेस्ट में वो लोग आई ड्रॉप डाले जिससे हाँ जी, उसके बाद आई ड्रॉप डाले हो, आई ड्रॉप मतलब सॉरी फंडस टेस्ट के लिए कुछ ड्रॉप था, वो ड्रॉप मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन उस लोग क्या किए थे उसमें, वो लोग खुद फंडस टेस्ट के लिए वो लोग खुद एक ड्रॉप डाल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि लड़कों में थोड़ा सा हम लोग को दिख नहीं रहा था जी। क्या हो रहा था, दिख नहीं रहा था, जैसे हमें थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में तो दिखा, हम लोग आँख थोड़ी देर पर बाद खुले तो थोड़ा सा जलन तो हो रहा था, उसके बाद दिखने लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़ा सा झिलझिला दिखने लगा जी।
थोड़ा सा ब्राउन साइड में, तो उसके बाद दिख नहीं रहा था बहुत देर तक। हम लोगों को लगभग 2 बजे ये ड्रॉप डाला गया था, और हमको याद है कि 10-11 बजे रात तक हमको दिखाई नहीं दे रहा था जी, सभी लड़कों को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हम लोग को ले गया गया मशीन पे, और मशीन से हम लोग को लेजर या कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह जाँच किया गया कि कहीं लेंस वगैरह तो नहीं लगा हुआ है या लेजर से सर्जरी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमें ओके कर दिया गया और लोग उसके बाद हम लोग फ्री हो गए। उसके बाद हम लोग को कहा गया कि जाइए आप लोग नाश्ता वास्ता करके आइए। हम लोग नाश्ता वास्ता करने गए तो हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हाँ, तो हम लोग थोड़ा बहुत जिसके गार्जियन थे उन्हीं लोगों के साथ जा रहे थे, और उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे, वो भी धुंधला सब कुछ दिखाई देता है कि हम लोग को रोड वोड क्रॉस करने में या हॉस्पिटल में ही चलने में हम लोग को दिक्कत हो रही थी, मैं बता देना चाहूँ। और हम लोग का रीडिंग वोडिंग नहीं हो पा रहा था, जैसे हम लोग का हैंड में बैंड लगा हुआ था, उस बैंड पर क्या लिखा हुआ है जैसे ALP इलाहाबाद वगैरह लिखा हुआ था, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे जी उसको भी, तो ये सब दिक्कत था। उसके बाद हम सुबह हुआ है भोर, उसके बाद सुबह होने के बाद जब हम उठे हैं तो उसके बाद हमको सब कुछ दिखाई दे रहा था, क्लियर दिखाई रहा था जी। 11 बजे रात में हम उठे थे, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता, फिर से जब सुबह में उठे हैं बस से हमें सफ़र कर रहे थे, उसके बाद हमको सब कुछ दिखाई देने लगा जी। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट है, जैसे बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि आपके बैच में कितने लड़के फेल हुए, तो मैं बता देना चाहूँ मेरे बैच में जैसे हम लोग 25 लड़के आए थे, तो हमारा दो दो ग्रुप बना था। पहला ग्रुप था जिसमें 13 लड़के थे, और हमारा जो ग्रुप था उसमें 12 लड़के थे। जो 13 वाले में एक लड़के का 6x6 नहीं दिया गया, हमारे में ग्रुप में भी एक लड़का का 6x6 नहीं मिला जी, और बाकी सारे लड़कों को पास कर दिया गया, कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं हुआ जी, मैं क्लियर कट कर देना चाहूँगा। और हमारे जो मैम थी और जो स्टाफ थे बहुत कोऑपरेटिव थे, तो हम लोग का बहुत पहले ही हो गया जी, हम लोग 2 बजे फ्री हो गए, और जो सेकंड बैच था उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम लोग ठंडे रूम में बैठ रहे थे, थोड़ा तो आँख में जलन थोड़ा सा कम फील हो रहा था, तो हम लोग वहीं पे ठंडे रूम में बैठे रहे। उसके बाद 3-4 बज गया, रिपोर्ट उपोर्ट आने में, एक्सरे का रिपोर्ट जैसे था, यूरिन का रिपोर्ट था, ECG का रिपोर्ट था, वो सब आया। उसके बाद मैम आई थी, उसके बाद क्लियर करके चली गई। उसके बाद हमें कहा गया कि आप लोग जा सकते हैं, तो हम लोग चले गए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उन लोगों को अभी टेस्ट हो रहा था। अब मैं बता देना चाहूँगा, जैसे हम लोग का हमने अभी हाइड्रोसिप पाइल्स और हार्निया का डिस्कशन नहीं किया। देखिए हमारे में जी कि हमारे में ज़्यादा चेकअप नहीं हुआ जी, हमारे में हाइड्रोसिल का चेकअप हुआ क्योंकि मैम थी इसलिए हाइड्रोसिल का चेकअप हुआ नहीं हम लोग में। लेकिन उसके बाद कोई और डॉक्टर जेंस डॉक्टर आए और वो 10 से 5 मिनट में हम लोग को सारा हाइड्रोसिल चेक किए, हम लोग का पाइल्स चेक नहीं हुआ जी, हार्निया चेक नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा जो ग्रुप था जो 13 बच्चों का था, उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, उनके डॉक्टर जो थे वो हाइड्रोसिल चेक किए, पाइल्स चेक किए यानी बवासीर चेक किए, और हार्निया भी चेक किया गया जी उनका, हाँ पूरा कपड़ा नंगा करके। हम लोगों को भी किया गया, लेकिन हम लोग को बहुत 4 से 5 मिनट में सभी लड़कों का हो गया, 12 लड़कों का। और उन लोगों का जो 13 लड़के थे उन लोगों का बहुत देर तक हो रहा था, और सब कुछ सही से जांच कर रहे थे, खांसवा रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे, पैंट खुलवा रहे थे, पूरे ऊपर नीचे मतलब पूरा नंगा कर दिया था जी, और इसी समय भी पूरे ऊपर का कपड़ा उतरवा रहे थे। तो इसमें तो किसी को छाटा नहीं गया, और जो भी अगर दिक्कत भी किसी को था तो उसको भी पास कर दिया गया था, हम लोग में इसका किसी को इशू नहीं आया जी। अगर और कोई भी डाउट है जैसे कितने लड़के छठे, तो मैं बता देना चाहूँगा 2 लड़के बस A1 कैटेगरी में नहीं, वो B1 कैटेगरी में उनको डाल दिया गया जी। हमें वहाँ से कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि आप किस में हैं किस में नहीं हैं। उसके बाद हम लोगों को बस एडमिट कार्ड बचा था, और एडमिट कार्ड हम लोग लेकर चले आए जी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं बता देना चाहूँगा कि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी आपको मेडिकल वेरिफिकेशन का है जी, उसको भी आप लोग सही से देख लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा DV के लिए, मैं DV के लिए मैंने वीडियो बनाए थे, DV में कुछ बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे जी, उस क्वेश्चन को भी मैं देखना चाहूँगा। जैसे हम लोग जब DV में गए तो DV में क्या हुआ कि कुछ बच्चों को DV में जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो DV में क्या किया गया कि 20-20 बच्चों का, जैसे 60 बच्चे थे तो 20-20 बच्चों का ग्रुप बना दिया था, यानी 3 ग्रुप बना दिए गए थे जी, 3 ग्रुप बना दिया था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए तो हमारे देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 4 स्टाफ थे, और CBT 1, CBT 2, CBT 3 स्टेज के लिए जो थंब इंप्रेशन चेक हो रहा था उसके लिए भी कितने बच्चे थे, उसके लिए कितने स्टाफ थे, 4 स्टाफ थे। CBT 1 के लिए एक अलग, CBT 1 के लिए एक अलग से स्टाफ थे, CBT 2 के लिए एक अलग से स्टाफ थे, और CBT 3 के लिए एक अलग से स्टाफ थे जी, और एक फाइनल सुपरवाइजर थे जो अलग से तीनों का थंब इंप्रेशन मिल जा रहा था तो वो साइन कर रहे थे जी। तो इस तरह हम लोग का कितने हुए तो 8 स्टाफ थे जी। चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग का वहाँ पे क्या हुआ जी, 3-3 फॉर्म दिया गया जिसमें एक बायोमेट्रिक था डिक्लेरेशन, और एक DV डिक्लेरेशन था, एक नॉर्मल डिक्लेरेशन था जी। तीनों फॉर्म हमने भरा वहाँ पे,
तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, इससे पहले ये सब वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जी, ठीक है ना। इस वीडियो के जो भी कमेंट्स होंगे, डाउट होंगे, मैंने आखिरी लास्ट में मैं उसको लूँगा जी। तो अभी बात कर लेते हैं डीबी के सारे प्रोसेस। तो हम लोग को तीन तीन ग्रुप में बांट दिया गया, वहाँ पर हम लोग गए, तो उसके बाद हम लोग को क्या मिला जी, तो वहाँ पे उसके बाद हम लोग का एक फ़ोटो खींचा गया, वहाँ पे 6 पीस फोटो उसके बनाए गए। हम लोग उससे नए फोटो भी मांगे गए थे, जैसे 1 माह के अंदर जो भी फोटो हो आपके पास, 6 फोटो फोटो ले जाने के लिए बोला गया था, और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है जी, और दो दो सेट जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके मांगे गए थे जी। लेकिन हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा गया कि एक ही सेट आपको लाना है जी, मांग रहे थे वो, और एक सेट शायद वो लोग एक्स्ट्रा मांगे थे जी, सेल्फ अटेस्टेड था। यानी आपको जब अटेस्टेड करना है तो डॉक्यूमेंट्स के जहाँ भी कुछ भी लिखा है उसको नहीं साइन करना जी। आपका मान लीजिए कि फर्स्ट पेज पे आपका मार्कशीट है, सेकंड पेज में अगर प्रिंसिपल का सिग्नेचर मोहर सील है, तो आप फर्स्ट पेज पर साइन कीजिएगा या सेकेंड सेट पर कीजिएगा, तो दोनों पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना।